नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आ चुके हैं अपने वही पुराने कार्यक्रम पर, जो हम कारक पढ़ रहे थे उसी कारक के भाग को हम आगे बढ़ाते हुए अब आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम संप्रदान सॉरी करण कारक, क्या लेके आए हैं? करण कारक। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वह पढ़ा क्या था। करण कारक के पहले हमने आपको बताया था क्या, कर्ता कारक, कर्ता और कर्म कारक की हमने बात कही थी। ठीक, हमने दो की बात कर ली थी, आज हम तीसरे की बात करेंगे जिसका नाम क्या होगा, करण कारक होगा। ठीक, करण कारक किसे कहा जाता है अगर बात आती है करण कारक। ठीक, अब देखिए मित्र, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया करण। करण का अर्थ क्या होता है भैया? करण का अर्थ क्या होता है? साधन। ठीक, करण का अर्थ क्या होता है? करण का अर्थ क्या होता है? साधन होता है। अब कहा जाता है कर्ता कर्म को करने के लिए, कर्ता कर्म को करने के लिए, करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कर्ता कर्म को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे करण कारक कहते हैं। ठीक, उसे क्या नाम दिया जाता है? करण कारक कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कर्ता कर्म को करने के लिए जिस कारक का प्रयोग करता है, जिस चिन्ह का प्रयोग करता है, उस चिन्ह को हम क्या नाम देते हैं? करण कारक नाम देते हैं। ठीक, उस चिन्ह को क्या नाम दिया जाता है? करण कारक नाम दिया जाता है। तो कर्ता कर्म को करने के लिए जिस साधन का, जो साधन, जो माध्यम लगाएगा, उस माध्यम को ही हम क्या नाम दे देंगे? करण कारक नाम दे देंगे। अब देखिए, कर्ता और कर्म के बीच की बात है यहाँ पर, किसकी? कर्ता और कर्म के बीच की बात है। और कर्ता कर्म के बीच में साधन, साधन मतलब क्या होता है? जो माध्यम होगा, क्या होगा? जो माध्यम होगा, इस माध्यम को ही हम क्या नाम देंगे? करण कारक नाम देंगे। जैसे कहा जाए, वह साइकिल से आता है। अगर हमने कहा वह साइकिल से आता है, तो अब इस वाक्य में अगर आप देख रहे हैं तो साधन के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? आने का जो साधन है, अर्थात क्रिया का जो क्रिया जो हो रही, किससे हो रही है? साइकिल से हो रही है। तो साइकिल जो शब्द होता है वह क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कारक होगा। जो शेष शब्द है या क्या हो जाएगा? करण कारक का शब्द हो जाएगा। ठीक, करण कारक का क्या होगा मित्र? शब्द बन जाएगा। ठीक है, या क्या बन जाएगा? करण कारक का शब्द बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ठीक, वह कुल्हाड़ी से क्या काम करता है? वृक्ष काटता है। तो वह क्या काम कर रहा है भैया? काट रहा है। क्या काट रहा है? वृक्ष काट रहा है। किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या हो गई? साधन हो गई या माध्यम हो गया? ठीक, कुल्हाड़ी क्या हुई? साधन हुआ या माध्यम हुए। अगर आपसे यह कह दिया जाए कि राम पानी से मुंह धुलता है। ठीक, राम किसे मुंह धुलता है? पानी से। ठीक, पानी से क्या काम करता है? पानी से मुंह धुलता है। ठीक है, राम पानी से क्या करता है? मुंह धुलता है। अगर हम यह एक वाक्य कहते हैं कि राम पानी से मुंह धुलता है, तो आपके मन के अंदर एक यह ख्याल आना चाहिए कि आखिर राम क्या कर रहा है। चलिए आप बताइए, फटाफट बताइए, आप लोग उत्तर दीजिएगा। अगर हमने कहा कि राम क्या कर रहा है? पानी से मुंह धुल रहा है, तो उसके धुलने का जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया का साधन कौन रहा? मुँह रहा कि पानी रहा? ठीक, अब देखिए, जो धुलने का जो साधन रहा वह क्या रहा? पानी रहा। तो पानी शब्द क्या हो जाएगा? करण कारक का शब्द कहलाएगा। अब लेकिन यहाँ पर से लगा हुआ है या करण कारक का चिन्ह हो जाता है। जैसा कि अगर आपको याद होगा तो हमने आपको विभक्ति में बताया था कि विभक्ति में जो चीज़ें होती हैं, विभक्ति जो होती हैं, विभक्तियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इनका कार्य केवल क्या होता है? वाक्यों के साथ संबंध दर्शाना होता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, जैसे कि इस करण कारक का हम जो प्रयोग करते हैं,
कहा जाता है करण कारक से का प्रयोग, क्या कहा जाता है करण कारक से का प्रयोग, से का प्रयोग, से का प्रयोग के द्वारा, से द्वारा के संगति के साथ के संग ठीक क्लियर है के संग आदि शब्दों के साथ किया जाता है, आदि शब्दों के साथ किया जाता है, साथ किया जाता है ठीक। आदि शब्दों के साथ क्या होता है करण कारक से का प्रयोग किया जाता है। हमने यहाँ पे देखिए आपके सामने हमने बहुत सारे शब्द लिखे, हमने लिखा करना करण कारक से का प्रयोग, के द्वारा के साथ के संगति के बिना, इसमें एक शब्द और लिख लीजिएगा, इसमें और एक शब्द लिखिएगा के बिना, तो यह सारे शब्द क्या हो जाते हैं सारे शब्द साधन के प्रयोग में किया जाता है ठीक है। जैसे कहा जाए आपके बिना घर सूना है ठीक, आपके बिना घर क्या है घर सूना है ठीक, आपके बिना क्या है घर सूना है, घर सूना है तो कैसे सूना है आपके बिना सूना है, अगर आप होते तो घर सूना आज ना होता। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जहाँ जिसका माध्यम होगा वही माध्यम क्या हो जाएगा हमेशा करण कारक का शब्द बनेगा, और जो चिन्ह है चिन्ह से तो आप पहचानते ही पहचानते हो। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए करण कारक का चिन्ह क्या है के बिना है, और जो करण कारक का शब्द क्या होगा यह क्या हो जाएगा करण कारक का शब्द हो जाएगा, किसका शब्द हो जाएगा करण कारक का शब्द हो जाएगा ठीक। और यह क्या कहलाएगा करण का करण कारक का क्या कहलाएगा मित्र चिन्ह कहलाएगा, क्या कहलाएगा चिन्ह कहलाएगा ठीक, यह क्या कहलाएगा करण कारक का चिन्ह कहलाएगा। अब बात आपको क्लियर हो रही है, बात आपको क्लियर हो रही ना, अब जब बात आपके क्लियर हो रही है तो इसी से और ध्यान दीजिएगा, जब इससे और ध्यान देते हैं तो इससे और ध्यान देने की हम क्या बात करते हैं, जैसे कहा जाए साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है ठीक, जैसे कहा जाए साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है ठीक, बुद्धि सुधरती है, साधुओं की संगति से क्या होती है बुद्धि सुधरती है, जब साधुओं की संगति होती है तब क्या हो जाता है बुद्धि सुधरती है, अन्यथा हमारी बुद्धि नहीं सुधरेगी। ध्यान दीजिएगा जो साधुओं की संगति होगी साधुओं की संगति से क्या होता है बुद्धि सुधरती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमने किस शब्द का प्रयोग किया जिससे कि करण कारक का शब्द बना हुआ है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, तो सुधरती है क्या सुधरती है बुद्धि सुधरती है, लेकिन कैसे सुधरती है संगति की संगति से, किस संगति जो शब्द होगा वह क्या हो जाएगा करण कारक का चिन्ह हो जाएगा मित्र, किसका हो जाएगा करण कारक का चिन्ह हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में यह बातें बना कर रखिएगा कि जो सुधरती है तो सुधरती है तो किसकी संगत संगति जो शब्द होगा वह भी क्या हो जाएगा करण कारक का चिन्ह हो जाएगा, वह भी क्या होगा मित्र करण कारक का चिन्ह हो जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिएगा कि जैसे कि हमने आपको यहाँ पे यह बताया, यह हमने आपको बताया कि यहाँ जो करण कारक से है से का प्रयोग के द्वारा के संगत के साथ के बिना के संग इत्यादि शब्दों का जो प्रयोग किया जाएगा, तो यह सारे शब्द जहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे वहाँ पे आपको झट से यह बताना है यह क्या है करण कारक है, यह क्या है करण कारक है ठीक, यह क्या होता है करण कारक होता है। बात क्लियर है, यह शब्द क्या हो जाता है हमेशा ध्यान रखिएगा, यह सारे शब्द क्या कहलाते हैं करण कारक कहलाते हैं, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो यह जो करण कारक है यह सारे चिन्हों को आप याद रखिएगा, हमने आपको शुरुआत में यह बता ही दिया था कि करण का अर्थ क्या होता है साधन होता है, करण का अर्थ क्या होता है मित्र साधन होता है, जब हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है करण कारक को कहलाता है। तो अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात को सेट करके रखिएगा कि जो साधन का जब किसी कार्य को पूरा करने के लिए साधन का प्रयोग किया जाएगा तो साधन का प्रयोग करना क्या कहलाएगा करण कारक कहलाएगा। तो चलते हैं, अब यह क्या हो गया हमारा करण कारक हो गया, लेकिन अब इसके बाद फिर इन्हीं का एक भाई आता है, इन्हीं के भाई को क्या हम नाम देते हैं, एक इनका भाई जो आता है उसको हम एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं संप्रदान कारक कहते हैं, क्या कहते हैं संप्रदान कारक कहते हैं ठीक।
तो जो संप्रदान कारक होता है मित्र, यह ध्यान रखिए संप्रदान कारक किसे कहते हैं। तो लेकिन दोस्तों इसके पहले जैसा कि हमने आपको करण कारक पढ़ाया था, उसी तरह से क्या हो जाता है संप्रदान कारक भी आते हैं। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग इस समय मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हमारी क्लास को देख रहे हैं, तो लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक, क्योंकि लाइक करने में उनका कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब करने में उनका कुछ नहीं जाता, बस यह होता है कि आने वाली वीडियो उनके हित में होगी, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, चलते हैं आगे दोस्तों हम लोग, अब चलते हैं हम आगे। हमने कहा कि यहाँ पर एक शब्द क्या आया, करण कारक आया, क्या आया है, करण कारक आया है, ठीक। अब सॉरी करण कारक के बाद फिर एक कारक आया संप्रदान, तो ध्यान दीजिएगा मित्र, जो यहाँ पर लिखा गया संप्रदान कारक, संप्रदान कारक लिखा गया ना, संप्रदान कारक में संप्रदान का अर्थ क्या होता है, संप्रदान का अर्थ, संप्रदान का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है देना या लेना, ठीक, क्या हो जाता है, देना या लेना, या किसी से कुछ कहना, या क्या हो जाएगा, किसी को कुछ बोलना हो जाएगा। जहाँ देने लेने कहने या बोलने की बातें करते हैं वह क्या कहलाएगा, हमेशा ध्यान रखिए, वह क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाएगा, ठीक, वह क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाएगा। बात अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा, जब किसी को हम कुछ कहेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे, सुनेंगे, चलेंगे, यह हमेशा क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक की, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब बात यहाँ की आगे बढ़ती है, जब किसी को कुछ कहा जाएगा, अगर कहा जाए किसी से कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, या कहे जानिए, या किसी को कुछ, या किसी को कुछ दिया जाए, दिया या लिया जाए, जहाँ पर इसका बोध होगा, इसका बोध कराने वाले को, ठीक, इसका बोध कराने वाले को, कराने वाले को, कराने वाले को क्या कहा जाता है मित्र, संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक, इसका बोध कराने वाले को क्या नाम दिया जाता है, संप्रदान कारक नाम देते हैं, ठीक है, इसका बोध कराने वाले को क्या नाम दिया जाता है, संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक। जैसे अगर आप हमें यह कहते हैं, पहले बहुत सामान्य सी बात करते हैं, माँ बच्चों के लिए, अगर कहा जाए माँ बच्चों के लिए मिठाई लाई है, माँ बच्चों के लिए क्या लाई है, मिठाई लाई है, ठीक, माँ बच्चों के लिए क्या लाई है, मिठाई लाई है। अगर हमने यह एक वाक्य कहा कि माँ बच्चों के लिए क्या लाई है, मिठाई लाई है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कौन लाया है, हमने कहा लिया या दिया, लाई है ना, क्या किया, लाई है, वह किसके लिए लाई है, बच्चों के लिए लाई है, तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे मित्र, यह क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक, संप्रदान कारक का क्या हो जाएगा, शब्द कहलाएगा, ठीक। और जो यहाँ लिए चिन्ह आया है तो यह क्या होगा, संप्रदान का क्या कहलाएगा मित्र, संप्रदान का चिन्ह कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संप्रदान का चिन्ह कहलाएगा, ठीक। अब बात यहाँ पे क्लियर हो रही है, बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो रही ना। अब बात यहाँ पर आई है, जैसे कहा जाए स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, जैसे कहा जाए स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। अब हमने कहा, अब यहाँ करने की बात आ गई, अब यहाँ पे कहा स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, ये ऐसे अगर वाक्य आपके सामने आते हैं तो आप उसमें तत्काल या बता देंगे इसमें कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, ठीक, कहा क्या बता देंगे, संप्रदान कारक बता देंगे। लेकिन एक विशेष बात आपको हम बताने चल रहे हैं, उस बात को आप एकदम गौर से सुनिएगा, ठीक, एक विशेष जो बात हम आपको बताने चल रहे हैं उस बात को एकदम गौर से आप सुनिएगा, आखिर वह है क्या, ठीक। अब देखिए, जो संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है, संप्रदान कारक को के लिए का प्रयोग, को के लिए का प्रयोग, ठीक, किसका प्रयोग, को के लिए का प्रयोग, लिए का प्रयोग
ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लो कि कहीं को के लिए ना आया, को के लिए ना आया, तो जब को के लिए नहीं आएगा तब वहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा यह हम आपको बता रहे हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ को के लिए का जो प्रयोग बताया गया, तो इस को के लिए के स्थान पर के हेतु, ठीक, के निमित्त, के वास्ते, ठीक, क्या क्या लगा, के हेतु, के निमित्त, के वास्ते, ठीक, इन सारे शब्दों का जब हम प्रयोग कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है, हमेशा वह क्या बन जाएगा, संप्रदान कारक बन जाएगा। ठीक, तब वह क्या बन जाता है, संप्रदान कारक बन जाता है। ठीक है, वह क्या बन जाता है, संप्रदान कारक बन जाता है। बात क्लियर है, तो यह हमेशा क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कृषि कार्य हेतु, क्या कहा जाए, कृषि कार्य हेतु, ठीक, कृषि कार्य हेतु मतलब क्या हो जाएगा मित्र, हमने एक बहुत छोटा सा एक वाक्य लिखा कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु का मतलब होता है क्या, कृषि कार्य के लिए, ठीक, किसके लिए, कृषि कार्य के लिए हो जाता है। ठीक, जब कृषि कार्य के लिए की हम बात कर देते हैं तो वह क्या, कहाँ पे कौन से कारक का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक, अगर कहा जाए राम के वास्ते सीता वन गई, ठीक, अब देखिए राम के वास्ते सीता वन गई, तो राम के लिए सीता वन गई थी ना, वास्ते जो शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा मित्र, संप्रदान कारक का एक चिन्ह हो जाएगा, किसका चिन्ह हो जाएगा, संप्रदान कारक का एक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, किसका चिन्ह हो जाएगा, संप्रदान कारक का चिन्ह बन जाएगा। बात क्लियर है, अब बात राम के वास्ते की हो गई, अगर कहा जाए हम आपके हित में कार्य कर रहे हैं, जैसे अभी हम ही लोग यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेज जो आपको फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा है, तो यह क्या हो रहा है, आपके हित में हो रहा है ना, आपके लिए किया जा रहा है, कहा जाता है आपके हित में, क्या कहा जाए, आपके हित में यह कार्य किया गया। ठीक, आपके हित में यह कार्य किया गया, तो यह आपके हित की बात होती है ना, जहाँ हित की बात होती है मतलब हित के स्थान, हित के लिए क्या हो जाता है, के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है मित्र, किसका प्रयोग किया जाता है, के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कहा जाता है आपके हित में। ठीक, आपके हित में, आपके वास्ते, आपके निमित्त, आपके हेतु, ठीक, के हेतु की बात कहा जाए, निमित्त की बात कहा, वास्ते की बात कही जाती है, हमेशा क्या बन जाते हैं, यह सारे शब्द हमेशा क्या बन जाते हैं, संप्रदान कारक बन जाते हैं। ठीक, क्या बन जाते हैं, संप्रदान कारक बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात कही, आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जैसा कि हमने यहाँ पर संप्रदान कारक बनाया है, तो संप्रदान कारक में एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, संप्रदान कारक का प्रयोग, ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या हम कह रहे हैं, यह आदमी संप्रदान कारक का प्रयोग ठीक, किसी को प्रणाम कर किया जाएगा, क्या किया जाए, प्रणाम, नमस्कार, आहुति आदि देने या करने के अर्थ में, या करने के अर्थ में किया जाता है, अर्थ में किया जाता है। ठीक, किसके अर्थ में, संप्रदान कारक का प्रयोग, किसी को नमस्कार, प्रणाम, ठीक, या किसी को जब आहुति दी जाती है तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है, संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। बात फिट हुई, अब बात यहाँ पर हुई, इस कहा जाए कि अगर हम आपको उदाहरण दें, कहा जाए सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी गुरुओं को क्या दिया गया, क्या कहा गया, प्रणाम। तो अगर जैसे अभी हम ही यहाँ पे कहते हैं कि सभी अग्रजनों को प्रणाम, ठीक, सभी गुरुओं को प्रणाम, आपको मेरा नमस्कार कहा जाए, ठीक, यह कहा जाए आपको नमस्कार, ठीक, और कह दिए कि सभी को धन्यवाद, ठीक, हमने कहा सभी को धन्यवाद,
सभी को धन्यवाद। यह हमने कहा आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद कहा, ठीक, धन्यवाद कहा। तो यह जो धन्यवाद कहा, मतलब हमने यह कह दिया कि धन्यवाद, क्या कह दिया, धन्यवाद कह दिया, मात्र और मात्र एक ही शब्द कहा, धन्यवाद कह दिया। तब यहाँ पर इन सारे वाक्यों के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, इन सारे वाक्यों के साथ संप्रदान कारक के लिए का प्रयोग किया जाता है, ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है, संप्रदान कारक के लिए का प्रयोग किया जाता है। अब बात हमारे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आई होगी, ठीक। अब यह इस तरह से आपको संप्रदान कारक में सारी चीज़ों को देखना है, जब आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक ठीक है ना, अन्यथा नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक की, बात यहाँ तक ही क्लियर हुई ना, बात यहाँ तक ही क्लियर हो गई। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हमें एक मिलता है क्या, अपादान कारक। संप्रदान की बात फिर क्या हो जाता है, एक कारक आता है जिसका नाम क्या होता है, अपादान कारक हो जाता है। अपादान कारक किसे कहते हैं, अब चलिए इसकी हम बात करते हैं, किसकी, अपादान कारक की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अपादान कारक किसे कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में हम आपको अभी अच्छे से बता रहे हैं। अपादान का अर्थ क्या होता है, सबका अर्थ जान लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अपादान का अर्थ, अपादान का अर्थ क्या होता है, अलग होना, ठीक, क्या हो जाता है, अलग होना, ठीक। जब परिभाषा दिया जाता है, कहा जाता है संज्ञा अथवा सर्वनाम के, संज्ञा अथवा सर्वनाम के, सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या स्थान से, जिस रूप से अलग, ऐसे जिस रूप से अलग होने का भाव प्रतीत होता है, भाव प्रतीत होता है तो उसे नाम क्या देते हैं, तो उसे क्या नाम देते हैं, अपादान। ध्यान रखिएगा, अपादान में जो वस्तु जहाँ से अलग होगी, जिससे अलग होगी वस्तु, क्या कहा जाता है, वस्तु जिससे अलग होती है, जिससे अलग होती है उस होती है, उसी को क्या नाम दिया जाता है, उसी को क्या नाम दिया जाता है, उसी को क्या नाम देते हैं भैया, अपादान कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अपादान कहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक है, कोई वस्तु है, यहाँ से एकाध वस्तु ऐसे निकल के गिर जाए, ठीक, मान लो यह पेड़ है, पेड़ से यह पत्तियाँ जो है गिर रही हैं, ठीक। अब अगर आपसे यह कहा, हमने जो बताया अभी आपको कि यह क्या हो जाता है, जिससे अलग होती है वही क्या हो जाता है, अपादान होता है। पत्ती कहाँ से अलग हो रही है मित्र, पत्ती कहाँ से अलग हो रही है, पेड़ से अलग हो रही ना, तो यह जो पेड़ शब्द होगा वह पेड़ शब्द ही क्या बन जाएगा, अपादान कारक बन जाएगा, इतना अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक। अगर मान लो यह सांप होता, हम इससे डरते, तो यह सांप क्या होता, सांप अपादान कारक हो, अगर हम डरते तो सांप क्या हो जाता, अपादान हो जाता, और अगर आप डरेंगे तो, आपसे हम डरते हैं तो आप हमारे लिए क्या हो जाते हैं, अपादान हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरह आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अपादान कारक वही कारक होता है जिससे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रतीत होता है, ठीक। तो ऐसे यहू जान लीजिएगा, जिससे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रतीत होता है, अलग होने का भाव प्रतीत होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अपादान कारक कहते हैं, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जैसे अब हम आपके सामने लिखते हैं कि जैसे अगर आपसे कहा जाए, अगर हम कहते हैं पेड़ से पत्ता गिरा, हमने क्या कहा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब देखिए पत्ता कहाँ से गिर रहा है मित्र, पत्ता कहाँ से गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है, तो पेड़ इसमें क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, पेड़ से पत्ता
पेड़ से, यहाँ लिखिए पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ क्या हो जाएगा? अपादान, क्योंकि पत्ता कहाँ से अलग हो रहा है? पेड़ से हो रहा है। और जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा गंगा हिमालय से निकलती है, हमने क्या लिखा? गंगा हिमालय से, हिमालय से निकलती है, ठीक। हमने क्या कह दिया? गंगा हिमालय से निकलती है, तो कौन निकलता है? गंगा, ठीक। कहाँ से निकलती है? हिमालय। हिमालय क्या हो जाएगा? अपादान वाला शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान का शब्द हो जाएगा, ठीक। और यहाँ जो से है, से क्या हो जाएगा? अपादान का चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान का चिन्ह हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है? अपादान का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। तो से यहाँ पे से क्या हो जाता है? अपादान का चिन्ह बन जाता है। बात क्लियर है? बात इतनी क्लियर हुई हमारी आपकी? अब बात इसके आगे की आती है, जैसा कि अगर मान लीजिए अपादान कारक का और भी कहीं ना कहीं प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। अपादान कारक का कहीं ना कहीं एक और भी जगहों पर प्रयोग किया जा सकता है। जब किसी और जगह पर प्रयोग किया जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ठीक है। यह देखते हैं, जैसे कहा जाए एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बताने के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। कहाँ से? एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि प्रयागराज से काशी 150 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है। अब हमने कहा कि कहाँ से कहाँ दूर है? प्रयागराज से कौन दूर है? काशी। तो इसमें जो प्रयागराज वाला शब्द है, दूरी कहाँ से नाप रहे हैं? प्रयागराज से नाप रहे हैं। तो जो प्रयागराज शब्द है यह क्या हो जाएगा? अपादान, क्योंकि अपादान मतलब कि प्रयागराज से दूरी बताई जा रही है काशी की, तो काशी तो अलग हो गई लेकिन प्रयागराज से दूरी बताई जा रही है, अलगाव हो रहा है। तो यह कहाँ से हो रहा है? प्रयागराज से हो रहा है। तो प्रयागराज जो शब्द होता है यह क्या कहलाता है मित्र? अपादान कारक कहलाता है, ठीक। यह क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम कहते हैं कि जब किसी से डरने शर्माने लजाने गिरने या कूदने का भाव दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब जैसे कहा जाए लड़के छिपकली से डरते हैं। अब कौन डरता है? लड़के डरते हैं, अलग कौन होगा? लड़का होगा। छिपकली क्या हो जाएगा? अपादान शब्द हो जाएगा, ठीक। राधा श्याम से नफरत करती है। क्या करती है? राधा श्याम से क्या करती है? नफरत करती है। तो राधा किससे नफरत करती है? श्याम से। जहाँ श्याम होंगे वहाँ राधा नहीं होंगे, राधा श्याम से अलग रहेंगी, ठीक। इस तरह से क्या हो जाता है? जैसे कहा जाए बंदर छत से कूदा। क्या कहा जाए? बंदर छत से कूदा। बंदर कहाँ से कूदा है? छत से कूदा है, ठीक। बंदर कहाँ से कूदा है? छत से कूदा है। तो कौन कूदा है? बंदर कूदा। कहाँ कूदा है? छत। छत क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। और जो यहाँ चिन्ह से लगा हुआ है, से क्या हो जाएगा? अपादान का चिन्ह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपादान का चिन्ह कहलाएगा। अगर हमने यह कहा अध्यापक के
हाथ से छड़ी गिर पड़ी। अध्यापक के हाथ से क्या हुई, छड़ी गिर पड़ी। तो किसके हाथ से गिरी, अध्यापक के। छड़ी गिरी तो कहाँ से गिरी है, हाथ से। हाथ क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक, छड़ी तो गिर गई ना, अलग हो गए। जो अलग हो जाएगा मित्र, ध्यान दीजिएगा, जो अलग हो जाएगा, अलग होने वाली वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक, यह ध्यान रखिए, अलग होने वाली वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं रहता, यह बात हमेशा अपादान में याद रखिएगा। ठीक, अब जैसे हमने कहा, अगर कहा जाए लड़का पेड़ से गिर पड़ा, लड़का पेड़ से गिर पड़ा। अब देखिए कि यहाँ पर हमने गिरने की बात कही, तो लड़का गिरा कहाँ से गिरा, पेड़ से गिरा। पेड़ क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेड़ अपादान कारक बन जाएगा। ठीक, तो अब हमने आपको यहाँ पर आज हमने आपको करण संप्रदान और अपादान कारक के बारे में एक हमने बहुत सूक्ष्म जानकारी दी, बहुत ज़्यादा विस्तृत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सूक्ष्म जानकारी कही जा सकती है। ठीक, तो आज हमने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसमें आप हमेशा फंसते हैं। तो आज हमारी इस क्लास का आप लोग आनंद उठाते रहिएगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे से रहें, आपको जल्द से जल्द सफलता मिले, इसी की कामना करते हैं। इन सारी बातों के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। लेकिन और एक बात आपसे अंतिम में जाते जाते कह के जाऊँगा कि आप सभी लोग एक बार मिशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासेस आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएं, और इन सभी कक्षाओं का आप क्या करें, आनंद उठाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।